मैं हूं प्रतिमा शर्मा जसपुर से और मैं एक एनजीओ में चाइल्ड प्रोटेक्शन के ऊपर काम करती हूं और मेरे एग्जेक्ट अपलाइन जो हैं राधेश्याम पैंकरा जी हैं और गोल्ड स्टार महेश प्रजापति सर और प्लेटिनम स्टार हैं अक्षय धनावत सर। और यहां पर मीटिंग होने वाली है, हम जब से पता हुआ और हम भी जिस तरह आप छत्तीसगढ़ से हैं हम भी तो आपके सहपाठी हैं और हमको ये अवसर मिल रहा है। और विनिंग टीम का जो खास बात है से मैं कहना चाहूँ कि घर में अगर अपनी खुद की जन्म देने वाली माँ जब खत्म हो जाती है ना तो अपने पापा मौसी माँ ले आते हैं और माँ जिस तरह प्यार करती है ना वैसी मौसी माँ कभी भी नहीं कर सकती। तो एक परिवार में इस तरह का भेदभाव किया जाता है लेकिन अपने यूटेक फैमिली में अपने विनिंग टीम में ऐसा कतई नहीं होता है। और मैं इस बिजनेस को एक युवक हूँ मेरा सौभाग्य मानती हूँ और मैं इसको दिल से स्वीकार किया है और दिल से ही हम करेंगे और मैं इसको पार्ट टाइम कर रही हूँ और मेरा आगे का सोच है मैं कि इसको फुल टाइम ही करूँगी। लेकिन मैं एक ऐसे संस्था से जुड़ी हूँ जहाँ पर हम कई ऐसे बच्चों का प्रोटेक्शन देते हैं जो हमारे क्षेत्र से हैं, वो लोग को भी जानकारी हो जाएगी जो हमारा छत्तीसगढ़ है और खासकर जसपुर इलाके से नाबालिग बच्चों का तस्करी किया जाता है चाइल्ड लेबर के रूप में, चाइल्ड मैरिज कराया जाता है, चाइल्ड अब्यूज उनका होता है और मतलब श्रम उनको कराया जाता है। तो हम उन बच्चों के लिए काम करते हैं। अधिकतर हमको सर्वे में आता है कि ये बच्चे आर्थिक स्थिति से तंगी आकर महानगरों में जाते हैं और जो लोग इनको तस्करी करके कमाई करते हैं मैं उन लोगों को यहाँ से चुनौती देती हूँ, दम है तो यूटेक में आकर देखो आपको डायमंड बना के एक। और साथियों ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो 7 साल 8 साल अपनी माँ के बोझ से दूर रहते हैं, उनको बेचा जाता है, बंधक बनाया जाता है, एक एक लोग एक एक रोटी के लिए तरसते हैं। तो साथियों मैं इस फील्ड से जुड़ी हुई हूँ और मुझे ये यूटेक मिला है तो मैं हर परिवार को देना चाहती हूँ और हर बच्चे का प्रोटेक्शन चाहती हूँ कि आप पैसे के लिए अपने बच्चों को बेचे ना, कहीं दूसरे जगह उसका पलायन ना करें, तस्करी ना करें। सौभाग्य है मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला और खास कर कहेंगे तो मेरे साथ नारी शक्ति की भीड़ है, नारी शक्तियाँ ज़्यादा है हर जगह। मैं इसको इसलिए भी कर रही हूँ कि हमको ना बेटी बोलते हैं संविधान में हमको समानता का अधिकार तो मिल गया है लेकिन आज भी परिवार में समानता नहीं है। हमको दर्द इधर जब बेटे और बेटियों में फर्क करते हैं, शादी करते हैं 4-5 लाख की दहेज देकर वहां से पलटी मार देते हैं और पितृ संपत्ति पर किसका राज होता है, मेरे भाई का। अगर उस भाई से मैं प्रॉपर्टी मांगती हूँ तो जो प्यार राखी के दिन झलकता है मेरे भाई के नजर में वो प्यार नहीं झलकेगा। तो हमको सशक्त होना है तो आर्थिक सशक्ति जब हमारे अंदर आएगी ना, वादा करती हूँ मैं हर एक जो नारी दहेज के नाम पर जलाई जाती है, आत्महत्या करती है या रोज दिन हिंसाओं का सामना करती है, दावे के साथ कह सकती हूँ वही महिला चाहे अनपढ़ हो, गंवार हो, जैसो भी है, उसका पति, उसका सास, उसका ससुर, पूरा दुनिया उसका सम्मान करेगा और रोज दिन नारी शक्ति जिंदाबाद कहेगा। ये सिस्टम हर के दिल में होना चाहिए और उस पर आप और हम ही जोर लगा सकते हैं। कोई चीज है जिसको लोग जो जल्दी नष्ट होता है ना उसको जल्दी स्वीकार करते हैं लेकिन कोई बात नहीं, हम दे रहे हैं लोगों को, धीरे से समझ में आ रहा है लेकिन जो धीरे से आता है वो लाखों करोड़ों दिन उसका उम्र होता है। और मैं साथियों अभी तो सिल्वर लेवल पर हूँ, मैं इसी में पार्ट टाइम करते हुए गोल्ड लेवल भी जल्द ही अचीव करने वाली हूँ और एक ही इसमें यदि हम सक्सेस होना है तो जो मूल मंत्र है उसको हमको सीने में रखकर चलना होगा, वो ये है कि हम बोलते हैं ना लाइफ मतलब अपना अपलाइन, अपलाइन का मतलब लोग बिल्कुल भी नहीं समझते हैं, अपलाइन मतलब होता है लाइफ लाइन, जो प्यार निस्वार्थ रूप से आपके मम्मी पापा करते हैं उससे भी कहीं बढ़कर आपका अपलाइन आपसे करता है। अपने चाहे
किसी रैंक को हासिल करे ना करे, लेकिन आप एक आवाज दे दो अपनी अप लाइन को, वो अगर सपने भी देखते रहेंगे ना डायमंड रैंक में मैं हूँ करके, वो सपने भी छोड़ के बिस्तर से उठेंगे और आपको गाइड करेंगे। तो वो होते हैं अप लाइन। आप लाइन को आप लाइन ही मत समझिए साथियों, वो आपका लाइफ लाइन है, आपका लाइफ सेटल करेगा। बस अच्छे करना इतना है कि जो आप लाइन कहता है बस वही हमको करते जाना है, निरंतर आपकी तरक्की होगी। और सिंपल सी बात है, कर भला सो हो भला। तो थैंक यू। और मैं सभी यहाँ पर बैठे हैं उन्हीं सभी भाइयों से मैं कहना चाहूंगी, राखी के दिन आप हमको अपनी बहन मानकर एक साड़ी गिफ्ट करते हैं। अगर सच में आप हमसे प्यार करते हैं, अपने बहनों से प्यार करते हैं, तो गिफ्ट के तौर पर यूटेक बांधिए। और उस यूटेक को करने के लिए अगर सिखा दिया तो साल में एक दिन आता है राखी का त्योहार, तो आपकी बहनें एक साड़ी के लिए इंतजार करती है कि मेरा भैया आएगा, मुझसे राखी बंधवाएगा और ये साड़ी गिफ्ट करेगा। साथियों देखना, आज अगर यूटेक की राखी उनको बांधते हैं तो साल भर में आते आते आपकी बहन के पास इतना साड़ी होगा कि वो गिनती नहीं कर पाएगी, है ना। और मैं मेरी नारी शक्तियों से कहना चाहूंगी कि हम किसी से कम नहीं है। नारी शक्ति मतलब दुर्गा लक्ष्मी के रूप में हर घर में पूजा होती है, और जहाँ नहीं होता वो घर, जहाँ होता है वो स्वर्ग होता है, और जहाँ पूजा नहीं होता वो घर नर्क भी होता है। तो वो ताकत हम में है, बस हमको अपने अंदर की जो क्षमता है उसको जगाना है, देखना है, और हम सब कुछ कर सकते हैं। समानता का अधिकार है, और खासकर यूटेक में बेटा ना बेटी देखा जाता है, दोनों को समानता का अधिकार दिया जाता है हमारे संविधान के अनुसार। और मैं सभी छत्तीसगढ़ की सभी नारियों को कहूंगी कि फूल नहीं चिंगारी है, छत्तीसगढ़ की नारी है, नारी से टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे। दोस्तों नमस्कार, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मुझे इस प्लेटफॉर्म में लाके खड़ा किए हैं, हमारे ऑफलाइन कामराज सैकड़ा सर जी हैं जो हमारे सामने खड़े हैं, और मैं सीएमजी सर को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इतना कम पैसा में आज प्लेटफॉर्म लाके खड़ा किए हैं, जो सबको सबके लिए मुमकिन है, और जो भी चाहे वो अपना काम कर सकते हैं। मैं सीतापुर का हूँ, मैं मेरे कमलनाथ सर जी आए थे सीतापुर में, मैं उनका मोबाइल देखा तो घड़ी कर्नाटक जितना घूमता है उससे ज्यादा उनके मतलब यूट्यूब में हर एक मिनट में देख रहा हूँ, उनका ग्राफ बढ़ रहा है, मैं देख देख मैं दंग लगे, मैं सोचा एक दिन मैं भी इसी काम इसी दोस्त के साथ मैं भी आज गोल बनूंगा। और मैं अभी जा रहा हूँ तो लखनऊ जा रहा हूँ, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं गोल बन के वहां जाऊंगा। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, यूटेक का ताकत, अगर आप किसी मोड़ पर अगर अकेले किसी व्यक्ति के चार आदमी घेरे हुए हैं, अगर आपको कोई सामने वाला घेर के मारने की कोशिश कर रहा है, अगर आप उसके कोई दोस्त अगर आ गया तो आपका हिम्मत बढ़ता है, और चार लोग आ गए आपके साथी तो उसको मार के भगा देंगे। इसी तरह हमारे यूटेक के साथी हर बिजनेस को दूर कर देंगे और यूटेक को सबसे आगे लाएंगे। यूटेक है तो मुमकिन है। के माध्यम से ही अगर सुने, मेरी जिंदगी बदल सकती है, शंकर सर की जिंदगी बदल सकती है, आर्मो सर की जिंदगी बदल सकती है, ना जाने कितने सर लोगों की जिंदगी बदल चुकी है सिर्फ उसी प्लान प्रेजेंटेशन से, राइट। तो अगर सर का प्लान प्रेजेंटेशन रहे तो कैसा रहेगा? अच्छा है, बहुत अच्छा। तो आइए सर, आपका मैं वेलकम करता हूँ इस प्लान प्रेजेंटेशन से, जिसकी जिंदगी बदल गई है। और जैसे सर हमारे देवेश सर की जिंदगी बदल गई, हमारे दीपक सर की लाइफ बदल चुकी है, तो वो प्लान प्रेजेंटेशन आपके माध्यम से मैं आपको शो करता हूँ, प्रेजेंटेशन करता हूँ, फिर इसके बाद सर की हम डोली उठवाएंगे, राइट। इसके बाद डोली उठवा ले, आइए सर, प्लीज वेलकम मिस्टर कमल किशोर राव।
धन्यवाद आप सभी साथियों का। और मैं चाहूँगा कि समय की नजाकत को देखते हुए हम जिस सिस्टम के लिए आए हुए हैं वो सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। और जब तक हम इस सिस्टम को समझेंगे नहीं तो रियल में जो दिखना चाहिए वो दिखेगा नहीं। फैक्ट अगर मैं बात करूं, हम लोग बहुत दूर से आए हुए हैं, कोई 40 किलोमीटर, कोई 50 किलोमीटर, कोई 100 किलोमीटर, कोई 200 किलोमीटर, कोई 300 किलोमीटर, नेवर अबाउट 500 किलोमीटर। मेरा परिचय में आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये फोटो दिख रहा है, इनको आप कितने लोग जानते हो, दिल से एक बार बोलना। और हम रियल में दोनों भाई हैं, एक ही माँ के संतान हैं, और वो बड़े वाले हैं, उनके लिए एक बार चरण वंदन मेरे पूज्य हैं। और जिस सिस्टम को उन्होंने मेरे को दिया, वाकई आज मेरी लाइफ बदल गई। और उसके कारण आज 12,500 से लेकर 13,000 लोगों की लाइफ बदल गई इस सिस्टम के कारण। साथियों, मेरा छोटा सा नाम है और मेरा नाम है कमल राव। आज मुझे इतना सम्मान मिल रहा है, इतना इज्जत मिल रहा है, रिगार्ड मिल रहा है, और उसका एक कारण है डेडिकेशन, समर्पण, त्याग। मैं आज कोई बड़ा घर का बेटा नहीं हूं, मेरे पापा भी फॉर्मर हैं। मैं अपनी अगर कहानी बता दूं ना, 100% कहता हूं हर वो साथी के आंख नम हो जाएंगे अगर मैं अपनी कहानी बता दूंगा। मैं और दीपक सर उस घर से बिलोंग करते हैं ना कि क्या बताऊं, एक मिडिल क्लास फैमिली जहां से बिलोंग करता है। इस सिस्टम ने हमें वो दिया, आज भी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा खजाना हाथ लग गया। अगर मैं बता दूंगा ना, क्या रातों की नींद हराम कर दूं आपकी, मेरी हो चुकी है, दीपक सर की हो चुकी है। अभी आपने देखा ना, दीपक सर को बेसिकली अचानक 6 पॉइंट ब्लड हो गया, 3 ड्रिप ब्लड चढ़ा है। सर भी यहां पर आमंत्रित थे, लेकिन किसी कारण बस मुझे दुख है कि मेरे बड़े पूज्य बड़े भाई नहीं आ पाए। लेकिन कहते हैं ना, छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुल्तानगढ़। हम दोनों भाई में इस सिस्टम की जब मैंने शुरुआत किया, मैं सिर्फ प्लान पे फोकस करूंगा, लेकिन बेसिकली मुझे जानो। आज हर व्यक्ति मुझे जूम पे सुनता है, कितने लोग सुनते हैं। जो भी लीडर, मैं आपसे एक वादा करता हूं, जो सिस्टम, जो एप्लीकेशन, ट्रेनिंग, जो नॉलेज आपको सुबह 7 बजे और शाम को प्लान प्रेजेंटेशन में और 9:30 बजे एप्लीकेशन ट्रेनिंग में आपको इधर मिलता है ना, आपको कहीं नहीं मिलता। बेस्ट बेस्ट एजुकेशन फिट मीडिया। मैं एक चीज आप सभी साथियों से कहना चाहूंगा, मैं बता दूं, एक ऐसे गांव से हूं ना, मेरे गांव में नेटवर्क नहीं है। बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जब इस सिस्टम की मैंने शुरुआत किया, आज भी वो दिन है कि मेरी माँ कह कह के थक जाती है, बेटा खाना तो खा ले, बेटा खाना तो खा ले, और मुझे खाना खाने का भी समय नहीं होता है। और मैंने एक चीज देखा कि आज भी अगर मेरे घर में नेटवर्क नहीं है और अगर किसी का फोन आ गया या रात में प्लान प्रेजेंटेशन लेने के लिए मेरे सर मुझे बोल दिए, तो मुझे घर से बाहर जाना पड़ता है, जैसे सांप ही काट ले, इतना बड़ा रिस्क लेता हूं। लेकिन कहते हैं ये रिस्क है। आप मुझे बताइए, क्या जिंदगी रिस्क नहीं है? हर पल रिस्क है। अगर हम थोड़ा सा रिस्क क्या ले लिए, और इस रिस्क लेने से अगर मेरे घर में खुशियां आ रही है, अगर मेरे घर में समस्याएं दूर हो रही है, तो रिस्क लेना चाहिए कि नहीं? एंड यू आर अ डायमंड। पहला लेवल 1% कंपनी का रोल।
समझ जाने के लिए बताता हूँ। पेंशन कितने लोग जानते हैं? जानते हो पेंशन क्या होता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर्ड आर्मी पर्सन कामराज सर हमारे बीच में थे और एक और आर्मी सर बात कर रहे थे, 28,000 से 30,000 उनको पेंशन आता है बिना काम किए, क्योंकि उन्होंने देश में जान की बाजी लगाई थी और वहां से सेफ सही सलामत आए, उनको पेंशन आता है। यहां से पेंशन कितना मिलता है सर? 600 रुपए से 1500 रुपए। वृद्धा पेंशन कितने लोग जानते हो? जानते हो ना? Yes, क्या यूटेक का दामाद बनना है? Yes. लोग गवर्नमेंट का दामाद होते हैं, उनको पेंशन आता है। और मैं अगर बात करूं ना, कंपनी का 2.5% का दामाद हूं रे बाबा। Yes. क्या पेंशन चाहिए? Yes, sir. चाहिए? Yes. 75 ID हो जाएगा? Yes. किससे नहीं होगा? हाथ खड़ा कितने लोग कर लोगे? 1 महीने में हो जाएगा? Yes. 2 महीने में हो जाएगा? Yes. 3 महीने में हो जाएगा? अगर 3 महीने में भी कर लिया ना सर, तो ये परमानेंट आपको आता रहेगा, आता रहेगा। आज हमें वृद्धा पेंशन भी बनवाना पड़ता है ना, उसके लिए भागना पड़ता है, रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट ये वो, और ये परमानेंट है। और वो भी बताओ, रात में 12:05 में। दूसरी चीज, किसी कारणवश कार्यक्रम हुआ, हमने ये बात रखी सीएमडी सर से, क्योंकि देखिए आज अगर मैं दिन भर में बात करूं तो 10 से 15 बार सीएमडी सर से बात होती है, और वो भी आप लोगों के। मैं अपने लिए बात नहीं करता, मेरे पास प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपके तरफ से आता है। अब बात करते हैं कि यहां पे हमने बात करके 5,000 रुपए का टैबलेट फंड दिला दिया, अब तो सिल्वर बनना है। अभी तक तो 1% रॉयल्टी आ रही थी, पेंशन आ रहा था, अब तो अब अगर आप सिल्वर बनेंगे तो 5,000 रुपए का आपको टैबलेट फंड कंपनी मंथली मोड में देती है। अभी पहला मंथ का जो टैबलेट फंड आया 944 रुपए फर्स्ट किस्त आई। एक बार जोरदार ताली मारिए। तो हमने पहला सीखा कि 1% टर्नओवर, दूसरा टैबलेट फंड, ठीक है? ठीक है, क्लियर हो रहा है? Yes, sir. प्लस जो मिला सिल्वर को तो आप तो देख ही लिए। गैलरी में शानदार फोटो, गैलरी में फोटो लगने का मतलब है आपका पहचान बढ़ जाना। आज अगर प्रेजेंट टाइम पर अभी बात करूं, नियर अबाउट 7,80,000 से लेके 8,00,000 यूजर हो गए हैं यूटेक परिवार का। और खुशी की बात यह है कि आपका ये परिवार 10,00,000 जैसे होगा, आपको साहेब यूटेक किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक लोग यूट्यूब डाउनलोड करेंगे। आज बता दीजिए मुझे, क्या कोई फोन पे गूगल पे हमसे आके पूछता है कि मैं डाउनलोड करूं कि नहीं? क्योंकि ये जो सिस्टम है यहाँ पे सीएमडी सर का आरबीआई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहती है कि अगर आपके पास 10,00,000 की एक्टिव यूजर हो जाते हैं तो कंपनी आपको यूपीआई दे देगी। तो जिस दिन यूपीआई आ जाएगा उस दिन बताइए यूटेक में क्या होगा? धमाल होगा। तो ये है सिल्वर लेवल, क्लियर हुआ? फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल क्लियर हुआ, लास्ट गोल्ड बताता हूं। अब गोल्ड जो मेरा रैंक है, प्रकाश सर का है, शंकर सर का है। मैं अपना भी बताना चाहूंगा, महज मुझे 7 दिन लगा ब्रॉन्ज बनने में, महज मुझे 26 दिन लगा सिल्वर बनने में। उस टाइम पे मेरे पास एग्जाम्पल नहीं था, मेरा भाई पीछे बना है, मेरा दीपक जो है ना पीछे बना, मैं सिल्वर पहले बना, क्योंकि छोटा जू छोटा खोटा होता है, जिद्दी होता है, पैसा नहीं था, रोता था, भैया दे देना यार 100 रुपया दे दे यार। काफ़ी समय हो चुका है, हम लोग का मीटिंग तो चल ही रही है।
ट्रेनिंग जो है, तो 5:30 हो रहा है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं। और हम लोग कई लीडर को सुने यार, सिल्वर अचीवर, ब्रॉन्ज अचीवर और डायमंड अचीवर, इन सब को बारी बारी से सुने हुए हैं। तो मैं टुकड़ा टुकड़ा में वीडियो YouTube चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो ठीक है फ्रेंड, चलिए यार आज हम लोग वीडियो की क्लोजिंग करते हैं यार यहीं पर, और हम लोग निकलते हैं, काफ़ी दूर है भाई लोग हम लोग का सफ़र। तो आज का वीडियो कैसे रहा कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, अगर प्रोग्राम अच्छा रहा, आपको भी इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ना लिंक दे दूँगा और रेफरल लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। हम किसी प्रकार से आपको इन्वेस्ट करने का सलाह नहीं देते हैं फ्रेंड, वो आपका जिम्मेदारी है। तो ठीक है फ्रेंड, वीडियो कैसा रहा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई। ठीक है फ्रेंड, अगले वीडियो में।